नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रोया चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बखूबी जानते हैं कि अंडर आर्म्स के बाल निकालने की प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है, इसलिए इन्हें करवाते हुए हम बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने के साथ एक्स्ट्रा ध्यान भी देने की जरूरत है, वरना थोड़ी सी गलती की वजह से आप कालेपन और डार्क स्किन टोन की शिकार हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको स्लीवलेस ड्रेसेस पहनने की भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंडर आर्म्स से बाल हटाते वक्त किन बातों से बचने की जरूरत है और इन बालों को हटाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिना अंडर आर्म्स को साफ किए बालों को हटाने की गलती ना करें। इसे पहले अच्छी तरह क्लीन करें और इसे पानी से धोने के बाद एक अच्छा स्क्रब लगाकर एक्सफोलिएट करें। इससे बाल सॉफ्ट होकर आसानी से निकल जाएंगे और बालों में पसीने की वजह से हुए डेड स्किन और गंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप वैक्सिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रही हैं, तो स्क्रब के बाद इसे अच्छी तरह पोंछ कर सुखाना ना भूलें। हाथों की स्ट्रेचिंग पर भी दे ध्यान। बालों को हटाते वक्त हाथों को अच्छी तरह स्ट्रेच करके ऊपर उठाएं। इसे आधा या लूज तरीके से ना उठाएं, इससे अंडर आर्म्स की स्किन ढीली रह जाएगी और शेविंग करते या वैक्सिंग स्ट्रिप हटाते वक्त ये कट सकती हैं। इतना ही नहीं, बाल अच्छी तरह शेव भी नहीं होंगे और आपको क्लीन लुक नहीं मिलेगा। अंडर आर्म्स कराने के बाद टाइट स्लीव्स कपड़े पहनने से बचें। इससे आपको पसीना होगा, जिससे रैशेज और जलन की परेशानी हो सकती है। कोशिश करें कि 2 से 3 दिन तक आप लूज कपड़े पहने और साथ ही डिओड्रेंट का इस्तेमाल न करें। 1 दिन बाद ही इसे यूज करें। सही डायरेक्शन में निकाले बाल। अगर आप अंडर आर्म्स के बाल हटाने के लिए शेविंग करने का सोच रही हैं, तो हमेशा शेविंग सही डायरेक्शन में हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अंडर आर्म्स के बाल हटाते वक्त हमेशा रेजर का मूवमेंट की ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रखें। ऐसा ही वैक्सिंग स्ट्रिप के साथ भी है। जैसे अगर आपको बाल की ग्रोथ ऊपर से नीचे की तरफ है, तो रेजर का इस्तेमाल नीचे से ऊपर की तरफ करें या स्ट्रैप को उस डायरेक्शन में निकालें। हर स्ट्रोक के बाद ब्लेड को धोना ना भूलें। अगर आप भी अंडर आर्म्स के पूरे बालों को हटाने के बाद रेजर ब्लेड को धोती हैं, तो अब आप ऐसा करना बंद कर दें। हर एक स्ट्रोक के बाद ब्लेड को जरूर धोएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो बाल और डेड स्किन ब्लेड में फंसते जाएंगे और शेविंग अच्छी तरह से नहीं होगी। इसलिए परफेक्ट शेव के लिए इसे हर स्ट्रोक के बाद जरूर धोएं। साथ ही लंबे की जगह स्ट्रोक छोटे रखें। आफ्टर केयर। वैक्स और शेविंग हुई जगह को आराम देने के लिए तुरंत प्रभाव से एलोवेरा जेल और आइस क्यूब लगाएं या फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। ये आपको छोटे और अनदेखे छोटे बालों की खुजली और खरोच से बचाने में मदद करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।